यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग कैसे सब लोग होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड लेक्चर दैट इज द रिविजन लेक्चर फॉर द मे एंड नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जाम मे नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जाम के लिए चालू कर रहे हैं अमेंडमेंट लेक्चर की भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे तो सबसे पहले रिविजन लेक्चर हम डाल रहे हैं सबसे पहला रिविजन लेक्चर दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन ही आती है छोटू सा टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए एंड फाइनल वाले भी इस लेक्चर को यूज कर सकते हैं बिकॉज फाइनल में भी आपका हाउस

टू दट बिल्डिंग लैंड टू दैट बिल्डिंग का मतलब दूसरी चीज का ओनर होना चाहिए तो देखो, दो कंडीशन सेटिस होनी चाहिए इस में आने के लिए. पहली कंडीशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरी

सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी आप खुद ही यूज कर रहे हो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आप खुद ही यूज करते हो आपकी प्रॉपर्टी को जैसे मान लो मेरा घर है उसमें मैं खुद रहता हूं या मेरा जो घर है उसमें मैंने स्टूडियो भी बना रखा है मेरा एक ऑफिस भी है दैट सेल्फ प्रॉपर्टी मैं खुद यूज कर रहा हूं अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और वो आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो उसको आप इग्नोर कर दो उसको कुछ भी हाउस प्रॉपर्टी में करने की जरूरत नहीं बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी अर्निंग द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी वो पीजीबीपी हेड की इनकम कमा के दे रही है है. जैसे मेरा ये स्टूडियो है, ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी है मैं मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज करता हूं तो इसको मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं इग्नोर करना बिकॉज ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मुझे बिजनेस साइड की इनकम है वो कमा के दे देती है लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पज के लिए है तो क्या होगा अब एक चीज समझना लास्ट ईयर तक आपने ये पढ़ा था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंस पर्पज के लिए है तो उस केस में एक एसओपी एक्ज होता है बाकी वालों को डीएलओपी माना जाता है और उस पर टैक्स लग जाएगा लेकिन इस बार अमेंडमेंट किया पीयूष गोयल जी ने अमेंडमेंट किया था जब इलेक्शन से पहले वाला बजट आया था फेब में जो बजट आया था पीयूष गोयल जी दैट टाइम वॉज फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने जो अमेंडमेंट किया उन्होंने यह बोला दो एसओपी पे कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आपके पास वन है या टू एसओपी है तो टू एसओपी तक कोई भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा तो लेकिन डीएलओपी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है वो मान लेंगे तो देखो मेरे पास मान लो तीन एसओपी है जिसमें मैं खुद ही रहता हूं मेरे खुद के रेसिडेंस पर्प के लिए यूज होती है तीन एसओपी है तो होगा दो पे टैक्स नहीं लगेगा लेकिन तीसरी एसओपी है उस पर मुझे टैक्स लग जाएगा तो देखो मैंने आपको क्या बोला टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी में अगर एलओपी है तो ऑलवेज टैक्सेबल एसओपी है बिजनेस के लिए यूज हो रही है प्रोफेशन के लिए इग्नोर कर दो एसओपी रेसिडेंस पर्पज के लिए अगर आपके पास अप टू हाउस प्रॉपर्टी है जो एसओपी है तो उसको एग्जेमट है लेकिन दो से ज्यादा है तो दो तो एक्जेम है लेकिन दो के ऊपर वाली जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी रहेगी दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीएलओपी और उस पर आपको टैक्स लग जाएगा अब एक और चीज समझना एक और अमेंडमेंट हुआ क्वेश्चन आता है सर बिल्डर इधर मेरी तरफ देखो सब लोग जैसे कोई बिल्डर होता है ना बिल्डर के पास कोई अनसोल्ड फ्लैट है आप मुझे एक बात बताओ बिल्डर के पास में जो फ्लैट होते हैं बिल्डर ने अगर वो फ्लैट बेच दिया बिल्डर ने वो फ्लैट बेच दिया तो तो इनकम पीजीबीपी हेड में चली जाएगी बिजनेस हेड में चली जाएगी लेकिन बिजनेस के बिल्डर के पास में अगर कोई फ्लैट है उसने उसको लेट आउट कर दिया किसी को भाड़े पे दे दिया तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी ये ध्यान रखना बिल्डर फ्लैट को बेचता है बेचने से इनकम होगी वो पीजीबीपी में जाएगी लेकिन बिल्डर ने वो फ्लैट को किसी को भाड़े पे दे दिया तो उस केस में वो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिसफाइड हो रही है यहां पे हाउस प्रॉपर्टी है और बिल्डर उसका ओनर है है, तो उस केस में इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाती है अब एक चीज समझना एक बिल्डर है उसने क्या किया पता है उसने बिल्डर ने कुछ प्रोजेक्ट uh, uh, का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया हाउस प्रॉपर्टी उसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया अब एक चीज समझना क्वेश्चन ये आता है कि हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने कंप्लीट कर दिया तो जो भी अनसोल्ड फ्लैट उसके लिए रहेंगे क्या वो डीएलओपी मान लिए जाएंगे उसके लिए जो भी अनसोल्ड फ्लैट रहेंगे क्या वो उसके लिए डीएलओपी मान लिए जाएंगे अगर अनसोल्ड फ्लैट है खाली पड़े उसने रेंट पे नहीं दिया रेंट पे दिया होता तो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ जाता लेकिन जो खाली पड़े है फ्लैट क्या वो डीएलओपी माना जाएगा क्या तो इसको लेके यहां पर एक चीज समझना है अमेंटमेंट किया और अमेंडमेंट ये बोलता है अमेंडमेंट ये बोलता है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, जाता है है उसका सर्टिफिकेट आ उस के से, उस ईयर ईयर के के एंड एंड से से टू ईयर्स तक उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा टू ईयर्स तक उन प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो जीएवी है वो नील ली जाएगी उस मीनस कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन दो साल के बाद ऑब्वियसली दैट विल बी ट्रीटेड एस डीएलओपी और उस पर टैक्स लग जाएगा तो देखो आई कैन टेक वन एक्साम्पल एक बिल्डर है मुंबई में जिसका नाम है ओमकार बिल्डर अब ओमकार बिल्डर ने क्या किया कुछ फ्लैट बनाए और एक प्रोजेक्ट बनाए एक फ्लैट बनाए कुछ और वो खाली पड़े हैं अगर भाड़े पे दे दिए होते तो ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ जाती लेकिन वो खाली पड़े हैं और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ मान लो टेन दिसंबर टू को तो ये वाला ईयर कब कंप्लीट होगा थर्टी मार्च टू तो थर्टी मार्च टू से टू ईयर्स तक मीन थर्टी मार्च टू तक उसकी जो जीएवी है वो निल ली जाएगी और उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद है वो डीएलओ माना जाएगा और बिल्डर को उस पर टैक्स भरना पड़ जाएगा अब एक और चीज समझना सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैसे कैलकुलेट करना बड़ा ही सिंपल है देखो एसओपी के केस में हर चीज नील आती है एसओपी के केस में सिर्फ आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है तो एसओपी की इनकम जो होती है ना वो आइदर नील हो सकती है नेगेटिव हो सकती है अगर इंटरेस्ट है तो नेगेटिव हो जाएगी और इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हो जाएगी निल हो जाएगी अब एक चीज समझना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करने का डीएलओपी के केस में एंड एल केस में तो सबसे पहले ले लो म्यूनिपल वैल्यू क्या ले लो म्यूनिसपल वैल्यू म्यूनिसपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट से विच एवर इज हायर है वो ले लो म्यूनिपल वैल्यू को कंपेयर करो फेयर रेंट से विच एवर इज हायर है वो ले लो और जो भी हायर आता है उसको आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो और विच एवर इज लोअर है वो ले लो देखो मैंने क्या बोला म्यूनिसिपल वैल्यू विल बी कंपेयर विद द फेयर रेंट विच एवर इज हायर है वो ले लो उस हायर को कंपेयर करो आपके स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर है वो ले लो और जो विच एवर इज लोअर आएगा ना उसको अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट अब एक चीज समझना जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसको आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो विच एवर इज हायर है ना उसको आप कंसिडर कर लो दैट विल बी योर जीएवी दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट है एंड एक्चुअल रेंट है उन दोनों में से विच हायर ले लो दैट विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू और ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप लेस करोगे म्यूनिसपल टैक्सेस पेड

उसके हिसाब से हर प्रॉपर्टी की एक वैल्यू निकाली जाती है कि यह प्रॉपर्टी एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है यह जो प्रॉपर्टी है वो एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है दैट इज कॉल रेटेबल वैल्यू भी इसको बोला जाता है दैट इज कॉल योर म्यूनिसिपल वैल्यू उसके बाद फेयर रेंट किसको बोलते हैं तो फेयर रेंट का मतलब होता है आज बाजू की प्रॉपर्टी का रेंट क्या है मतलब जिस लोकेशन में आपकी प्रॉपर्टी है उसी लोकेशन में जो आजू बाजू वाली प्रॉपर्टी है उसका रेंट 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 क्या क्या है है दैट इज योर फेयर अब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता एज पर द कंट्रोल कंट्रोल एक्ट एक्ट में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के रेंट कंट्रोल करने के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया जाता है और उस एक्ट के हिसाब से मैक्सिमम आप लीगली कितना रेंट ले सकते हो उस एक्ट के हिसाब से दैट इज कॉल योर स्टैंडर्ड रेंट अब एक और चीज समझना एक्चुअल रेंट मतलब क्या होता है तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनियलाइड रेंट क्या बोला मैंने रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल माइनस अनुगे रेंट रिसीव्ड प्लस माइनस अनियलाइज रेंट अनियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है मान लो कोई पर्सन ने आपको रेंट नहीं दिया वो रेंट खा के चला गया एक्चुअल तो रेंट के लिए मैंने क्या बोला रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल जितना मिलने वाला है और माइनस दोलाइज रेंट तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल रेंट

लेस करने को मिलेगा वाइल कैलकुलेटिंग योर एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट है वो आपको कैलकुलेट करते टाइम रेंट है वो आपको लेस करने को मिलेगा अब एक और चीज समझना जब भी आप

कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया तो अलाउ होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा तो म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस पे किया तो अलाउ होगा नहीं किया तो नहीं होगा जब करोगे तब होगा एक और चीज समझना म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा टेनेंट ने पे किया तो अलाउ नहीं होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा टेनेंट ने पे किया तो आपको अलाउ नहीं होगा बिकॉज टेनेंट ने पे किया होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस तो ऑलरेडी आपका एक्चुअल जो रेंट है वो कम होगा तो उसमें ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका तो एक्चुअल रेंट ऑलरेडी कम आएगा करके ठीक है तो उस केस में म्यूनिसिपल टैक्सेस अलाउ नहीं होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया तो ही अलाउ होगा अब एक चीज समझना बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूनिपल टैक्सेस जो होता है ना वो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा होता का लोगे। तो ध्यान रखना, अगर दे रखा है जैसे टेन परसेंट फिफ्टी परसेंट टैक्सेस आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको डिडक्शन मिलता है लेकिन लोन शुड भी टेकन फॉर द परपज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी परपज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मीन लोन अगर आपने परचे के लिए लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है रिपेयर के लिए लिया है रिनोवेशन के लिए लिया है तो परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयर के लिए अगर आपने लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तो आपको, आपको मिल जाएगा लेकिन एक चीज समझना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड दैट इज कॉल्ड पेनल्टी इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट बाकी था उस पर और इंटरेस्ट लगाया तो क्या वो वाला इंटरेस्ट अलाउ होगा आंसर इज नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है वो आपको अलाउ नहीं होगा एक और चीज समझना सर लोन किससे लेना है किसी से भी लो अगर आपने से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया फ्रेंड से लिया फैमिली से लिया ट्रस्ट से लिया किसी से भी लिया तो आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन इंटरेस्ट का मिल जाएगा अब एक और चीज समझना, सर इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है क्या उसका कोई लिमिट है क्या आंसर इज यस लेकिन एक चीज समझना, एलओपी और डीएलओपी केस के के में कोई लिमिट नहीं है एलओपी और डीएलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं है जितना इंटरेस्ट है वो पूरा अलाउ हो जाएगा अगर एलओपी है लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम डीम टू टू बी बी लेट 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 आउट 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 प्रॉपर्टी 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 क्योंकि एंड ऑलवेज टैक्सेबल होती है तो डीएलओपी और एलओपी के केस में कोई भी लिमिट नहीं है लेकिन एक बात समझना एसओपी के केस में लिमिट है जो एसओपी है वो एसओपी के केस में लिमिट है एसओपी जो है एसओपी कितनी ले सकते हो टू प्रॉपर्टी एसओपी ले सकते हो तो एसओपी के केस में लिमिट है कितना लिमिट है उसमें दो पार्ट एक स्पेशल केस एक नॉर्मल केस एक स्पेशल केस एक नॉर्मल केस स्पेशल केस क्या बोलता है कि लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर वन फोर

सर इंटरेस्ट के लिए लिमिट क्या है इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट कितना अलाउ होगा तो देखो बेटा इंटरेस्ट अगर एलओपी डीएलओपी है तो उसमें पूरा इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा जितना इंटरेस्ट है वो पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा मीस नो लिमिट कोई लिमिट ही नहीं है यह ध्यान रखना एलओपी डीएलओपी केस में कोई लिमिट नहीं है लेकिन एसओपी केस में लिमिट है दो केस स्पेशल केस नॉर्मल बोलता है कि लोन टेकन ऑन और आफ्टर वन फोर लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड इफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन हैज टू कंप्लीटेड विद इन फाइव ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन लोन टेकन तो उसके मैक्सिमम टू लेख का डिडक्शन मिलेगा और अगर मान लो आप नॉर्मल केस में जाते हो तो थर्टी थाउजेंड का डिडक्शन मिलेगा अब एक बात समझना ये ये स्पेशल केस केस हो गया नॉर्मल में कौन-कौन सा जाएगा अगर लोन है वो वन फोर नाइनटी नाइन से पहले लिया है या फिर लोन आपने रिपेयर या रिनोवेशन के लिए लिया है क्योंकि यहां पे स्पेशल केस में परचेज एंड कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो रिपेयर रिनोवेशन के लिए तो किस में, 30 में चला जाएगा या फिर लोन आपने परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है लेकिन कंस्ट्रक्शन पांच साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो उस केस में भी मैक्सिमम थर्टी का डिडक्शन मिल जाएगा अब एक और चीज समझना इस साल से ये डाउट आ सकता है कि सर मेरे पास दो एसओपी है अब एक एसओपी है वो स्पेशल केस में आ रही है और दूसरी एसओपी नॉर्मल केस में आ रही है तो स्पेशल केस वाले पे टू लैख और नॉर्मल केस वाले पे थर्टी तो क्या मुझे टोटल का SOP पे डिडक्शन मिल जाएगा ना बाबा ना ध्यान रखना एसओपी के केस में मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपको टू लैख का ही मिलेगा तो अगर मान लो आपका एक एसओपी है मान लो दो, दोनों एसओपी स्पेशल में आ रही है तो भी मैक्सिमम टू का मिलेगा दोनों एसओपी अगर उधर जा रही है दोनों एसओपी उधर जा रही है तो थर्टी का ही मिलेगा लेकिन एक बात समझना एक एसओपी टू में आ रही है एक एसओपी थर्टी में आ रही है तो मैक्सिमम आपको टू लैख का ही डिडक्शन मिलेगा उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा सो मैक्सिमम डिडक्शन इज टू लैख अब एक और चीज समझना मेनी टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने पहले एक लोन लिया था एच बैंक से एच डी एफ सी बैंक से लोन लिया था घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब एक चीज समझना वो एच डी एफ सी वाला बैंक का लोन रीपे कर दिया एसबीआई से लोन लेके आपने एसबीआई से लोन लिया एच डी एफ सी बैंक के लोन को रीपे करने के लिए तो क्वेश्चन आता है कि जो नया लोन आपने लिया वो नए लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे क्या उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा एनी आंसर इज यस उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा तो एनी फ्रेश लोन इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन एंड अर्लियर लोन वॉज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो जो भी आप फ्रेश लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है एक चीज पे समझना अगर लोन इंडिया के बाहर से लिया जाता है और इंडिया के बाहर तो गवर्नमेंट को जमा करवाया अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है या काटा बट तो गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा अब एक आता है, प्री कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट आता है जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है वो गलती कर जाते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है देखो बेटा सबसे पहले समझना कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ देखो उस ईयर ही वो हाउस प्रॉपर्टी बना उससे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर ही तो वो हाउस प्रॉपर्टी बना उससे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से पिछले वाले जितने भी ईयर का इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को अपन बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मीन इंटरेस्ट पेड

हाउस को परेज करने के लिए मैंने हाउस परचेस किया मान लो जुलाई 2019 में तो अब एक बात समझना जुलाई 2019 तो 1920 का इंटरेस्ट तो अलाउ हो जाएगा लेकिन जो 31 मार्च 2019 तक का जो इंटरेस्ट है जनवरी 2019 2019 से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट है उसको अपन बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट और यह भी आपको अलाउ हो जाएगा इन द फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द ईयर इन इज मेड तो आपने 1920 में किया तो नाइनटीन से आपको फाइव इक्वल इंस्टॉलमेंट में यह इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा अब एक और चीज समझना अनरियलाइज रेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं उसके बाद अरियर्स ऑफ रेंट अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है कि रेंट अगर आपका डिस्प्यूट में चला जाता है

ऑफ रेंट का रिकवरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिकवर्ड एंड थर्टी परसेंट का डिडक्शन मिलेगा 70 है वो टैक्सेबल हो जाएगा एक और चीज समझना उस ईयर में भले आप उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं

नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी वैकेंसी का क्या होता है एक बात बताओ मैंने आपको क्या बोला पहले म्यूनिपल वैल्यू लो फेयर रेंट विच एवर इज इजर स्टैंडर्ड विच एवर इज लोअर दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है वो लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट रेंट और एक्चुअल एवर इज हायर है वो लेते हैं लेकिन एक चीज ध्यान रखना अगर वैकेंसी है तो एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा अगर वैकेंसी है वैकेंसी का मतलब क्या होता है घर पे ताला लगा हुआ है

में आपको एक चीज ध्यान रखने का वैकेंसी के केस में आप क्या देखोगे पता है पहले लिखोगे एक्सपेक्टेड रेंट उसके बाद एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट क्या बोला मैंने इस साइड लिखो एक्सपेक्टेड रेंट उसके बाद एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट अगर एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट मैंने क्या बोला एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट तो उस केस में तो एक्चुअल रेंट है वही तुम्हारा जीएवी बन जाएगा लेकिन इफ एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट है वो आपका जीएवी बन जाएगा तो मैंने क्या बोला समझना इधर देखो मेरी तरफ मैंने क्या बोला जब भी वैकेंसी होती है तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल हायर हायर वाले वाले को को नहीं नहीं जब भी वैकेंसी होती है तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एवर इज उसके केस में आपको क्या करने का पता है पहले लिखो एक्सपेक्टेड रेंट उधर लिखो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट दोनों को मिला के मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट होता है तो एक्चुअल तो रेंट को जीएबी बना दो बट अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज मोर देन एक्चुअल रेंट प्लस जीएवी होता है तो उस केस में आप एक काम करो एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी बना दो अब एक और चीज समझना कंसेप्ट ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज मेनी टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ एरिया लेट आउट है और कुछ एरिया सेल्फ ऑक्युपाइड है तो आप एक काम करो कि जो लेट आउट वाला एरिया ना उसको एलओपी मान लो और सेल्फ ऑक्युपाइड वाले एरिया को एसओपी मान लो जैसे हो सकता है मेरा थ्री बी एच के घर है उसमें से मैंने क्या किया एक रूम किसी को भाड़े पे दे रखा है तो जितना भाड़े वाला पार्ट है उसको मैं एलओपी मानूंगा और जितना मैं खुद यूज कर रहा हूं उसको मैं एसओपी मानूंगा दो कॉलम बनाऊंगा मैं एक एसओपी एक एक एलओपी अब और चीज समझना इसमें क्या होगा वैल्यू वगैरह है वो तो एलओपीसिपल हाउस प्रॉपर्टी का रहेगा तो आप जो तोल वैल्यू है म्यूनिसपल वैल्यू है फेयर रेंट है स्टैंडर्ड रेंट है म्युनिसिपल टैक्स है इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको आप डिवाइड करोगे एलओपी और एसओपी में ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एरिया के बेसिस पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा लेकिन एक चीज ध्यान

उस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर सिंगल डे मैंने क्या किया थ्री सिक्स डेज में से वन डे लेट आउट किया और डेज है, है. तो है और पूरे साल का म्यूनिस्पल वैल्यू है फेयर रेंट है स्टैंडर्ड रेंट है वह सब आएगा एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली एक दिन का आएगा जितने टाइम के लिए मैंने लेट आउट किया है तो देखो मैंने क्या बोला अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है पार्टली लेट आउट एरिया वाइज एंड उसके बाद टाइम वाइज एरिया वाइज है अगर एरिया वाइज पार्टली लेट आउट है तो उस उसके इसमें काम करो लेट आउट वाला पार्ट एलओपी और सेल्फ ऑक्युपाइड वाला एसओपी दो कॉलम बनाओ करके हर चीज को एरिया वाइज बाइफर्गेट करो लेकिन एक चीज ध्यान रखना कभी भी एक्चुअल रेंट को बाइफर्गेट नहीं करोगे लेकिन अगर टाइम वाइज है जैसे कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड और कुछ टाइम के लिए लेट आउट तो उसको आप लेट आउट प्रॉपर्टी ही ट्रीट करोगे आप पूरे साल के लिए लेट आउट प्रॉपर्टी ट्रीट करोगे बट ऑब्वियसली एक्चुअल रेंट है वो उतने टाइम का ही आएगा जितने टाइम के लिए आपने लेट आउट किया है अब एक और चीज समझना अगर आपके पास दो से ज्यादा एसओपी है अगर आपके पास दो से ज्यादा एसओपी है जैसे मेरे पास तीन एसओपी है तो मैं क्या करूंगा उसमें से दो एसओपी है, तीसरा वाला डीएलओपी मानूंगा उस पर टैक्स लगेगा लेकिन कैसे चूज करूंगा मैं क्वेश्चन को तीन बार सोल्व करूंगा हाउस प्रॉपर्टी वन को एसओपी हाउस प्रॉपर्टी टू को एसओपी और हाउस प्रॉपर्टी थ्री को डीएलओपी फिर दूसरे में क्या करूंगा हाउस प्रॉपर्टी वन को एसओपी हाउस प्रॉपर्टी टू को डीएलओपी और हाउस प्रॉपर्टी थ्री को एसओपी तीसरे में क्या करूंगा हाउस प्रॉपर्टी वन को डीएलओपी हाउस प्रॉपर्टी टू एंड थ्री को एसओपी ऐसा करके मैं तीन बार क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और जिसमें मेरी इनकम सबसे कम आएगी जिस ऑप्शन में मेरी इनकम सबसे कम आएगी वो वाला ऑप्शन मैं एक्सरसाइज कर जाऊंगा वो वाला ऑप्शन है वो मैं क्या कर जाऊंगा एक्सरसाइज कर जाऊंगा अब एक और चीज समझना नेक्स्ट पार्ट इज अंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप अब क्वेश्चन ये आता है सर ज्वाइंट ओनरशिप केस में क्या होगा ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब होता है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है उसमें

ओनर है तो हमारी जो लिमिट है वो थर्टी लैक थर्टी थाउजेंड की सिक्सटी होगी एंड टू लैख का फोर लैख हो जाएगा तो यहां पे बेटर ये रहता है कि भैया जब जॉइंट ओनरशिप में है और हम दोनों इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी एस के केस में थर्टी की जगह सिक्सटी एंड बेटा टू की जगह फोर और थ्री ओनर है तो नाइनटी एंड सिक्स लैख ऐसा लिमिट होगा मीन्स इंटरेस्ट का लिमिट है दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ को ओनर अब एक और चीज समझना कंपोजिट रेंट

अग्रीमेंट सेपरेबल है अग्रीमेंट अलग अलग किया हुआ है तो अग्रीमेंट अलग है तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अदर असेट का रेंट है, वो या तो है में जाएगा, लेकिन एक चीज सेपरेबल नहीं है अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट सेपरेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा टोटल रेंट जो है ना आपका टोटल रेंट टोटल रेंट आई एफओ या पीजीबीपी में जाएगा टोटल रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर आई हाउस प्रॉपर्टी में इनकम ही नहीं आएगी जैसे होटल वगैरह एक बात बताओ होटल का रूम जब आप बुक करवाते हो तो क्या वहां पर अग्रीमेंट सेपरेबल होता है क्या नहीं वहां पर आपको अदर अस्टेट भी यूज करने को मिलती है प्रॉपर्टी भी मिलती है तो हाँ, होटल वाले का जो इनकम है वो उसके लिए पीजीबीपी में जाएगा यू गॉट न पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना बहुत सारे लोग ने क्या किया होटल वालों ने भी क्या किया अग्रीमेंट को सेपरेबल कर दिया बोला अदर असेट का इतना और रूम का रेंट इतना तो उस केस में यहां मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने आप जो हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हो वो लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अदर असेट अदर असट के बिना वो हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है एक बात बताओ होटल के रूम को क्या अदर असेट के बिना लेट आउट करना पॉसिबल है आंसर इज नो तो उसके इसमें टोटल रेंट है वो पीजीबीपी या IFOS में जाएगा इवन इज सेपरेबल भले आपने अग्रीमेंट सेपरेबल कर दिया तो भी अगर अदर असेट के बिना वो प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पॉसिबल ही नहीं है फीजिबल ही नहीं है तो उस केस में टोटल रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यू गॉट माई पॉइंट आउट नॉट यस डीम्ड ओनर का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं डीम डोनर

मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूं कि आप दो एसओपी का बेनिफिट ले सकते हो आप दो एसओपी जो है वो एग्जेम होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन एसओपी का मतलब क्या होता है आप खुद या तो ऑक्यूपाइड करते हो या फिर आप किसी और प्लेस पे बिजनेस प्रोफेशन या काम करते हो एम्प्लॉयमेंट में हो किसी और प्लेस पे और कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है और जहां पे आप बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में हो उस जगह आपका कोई भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो उस केस में जो खाली पड़ा प्रॉपर्टी है उसको भी हम एसओपी मान लेंगे तो एसओपी किसको बोलेंगे या तो ओनर जो है वो खुद ऑक्युपाई करता है रहने के लिए दैट इज कॉल

सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट है उसको दूर रहो सिर्फ यूट्यूब पर जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा दो जब भी नया लेक्चर मैं अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड खुद का ख्याल रखा करो अपना ध्यान रखा करो और अच्छे से अच्छा खाया करो करके ठीक है बिकॉज कुछ भी मत खाया करो जिससे आपकी हेल्थ वगैरह खराब हो जाए बिकॉज ये वाला टाइम है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है एंड अपने को पास होना है फर्स्ट में करके ठीक है बिकॉज फर्स्ट अटम्प इज ऑलवेज अ गोल्डन अटैम्प एंड बेटा इस अटेम्प्ट में आपको पास होना है ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है